भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बीते दिन बनारस के एक होटल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। फैन समेत भोजपुरी के कई सितारों का दिल टूट गया। बीते दिन भोजपुरी के तमाम बड़े सितारों ने नम आंखों से आकांक्षा दुबे को श्रद्धांजलि दी। इस बीच भोजपुरी अदाकारा रानी चटर्जी का एक पोस्ट सामने आया है, जो कि इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं। सोशल मीडिया पे बस रानी चटर्जी की इसी पोस्ट की चर्चा हो रही है। दरअसल रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक स्टोरी लगाई। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री की पोल खोल दी है। रानी ने लिखा, सबको सब पता है पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सब एक थाली का बैगन है। लड़की सबको चाहिए अफेयर करना है, फिर उसी के साथ हर जगह दिखना है। जब उस लड़की पर आपका ठप्पा लगने लगे तो आपको उससे फिर दूर भागना है, क्योंकि फिर आपको कोई नई लड़की चाहिए, क्योंकि जिसको लेकर घूम रहे हो वो तो शादी करने के लिए बोल रही है। लड़कियों को ये समझना चाहिए कि तुम इस्तेमाल हो रही हो। हमारी इंडस्ट्री में आदमी बहुत हैं पर मर्द बहुत कम लोग हैं। रानी चटर्जी ने आगे लिखा, लड़कियों खासकर जो भोजपुरी में काम करने आई हो, थोड़ा संभल कर रहो, प्यार कोई नहीं करता है यहाँ। उनको चार गाना करना है, आपके साथ वाइब लाना है। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। चार गाने करने के बाद आप पुरानी हो जाएंगी, फिर इनको किसी नई की तलाश होगी। एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे आदमी यहाँ किसी एक के साथ नहीं है। बताते चले कि आकांक्षा दुबे के निधन से रानी चटर्जी काफी दुखी हैं, इसलिए उन्होंने इस पोस्ट को शेयर कर अपना गुस्सा निकाला है। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।